ही गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल चौपीस। सो ये हमारा गाइस पार्ट वन है ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो टोटल ये सीरीज़ में 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट वन है। तो ये SSC, CGS, CHSL, MTS, रेलवे, बैंक, CDS एक्सेट्रा जितने भी एग्जाम में, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, पॉलिटी में इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। तो हर वीडियो में मैं एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ विथ फुल डिटेल एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, तो इसका आंसर है बी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल वन में भी लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो ये थे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर है डी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, इंडिया इज़ ए रिपब्लिक बिकॉज जो हेड होता है वो डिफाइन किया जाता है फॉर डिफाइनेड पीरियड। बिकॉज इसका आंसर है राइट सी नंबर, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डिफाइनेड पीरियड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। तो एडवाइजर कौन था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था? तो कौन था? बी एन राव। ठीक है, कौन था? बी एन राव। तो आंसर है सी नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है यह सब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से कंट्रीज के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो फॉलोइंग ऑप्शन में से तो यूके है। ओके, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अगर पूछा जाए यूके ने जाके कुछ और पूछा जाए तो कौन कौन सा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मैं बता देता हूँ। इसराइल के पास, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया एंड कैनेडा। ओके, यूके, इसराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया एंड कैनेडा पास। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एडोप्ट कब किया गया? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट कौन थे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली बना था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है ए नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंडियन पेनल कोड जिसे हम लोग IPC बोलते हैं, ये क्रिमिनल कोड के लिए यूज़ होता है इंडिया में। तो ये कब ऑपरेट हुआ रहा? तो 1862 में। तो इसका आंसर है डी नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना आर्टिकल प्रेजेंट है? तो अभी 471 है। ओके, जब बना था तब कितना था? तब 395 था। आपको नेट में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कोई वेबसाइट में 421, कोई में 448, पर एक्चुअली में अभी कितना है? 471 आर्टिकल। ओके, और 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। ओके, नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को 1949 को, पर इफेक्ट कब हुआ था, कब फोर्स में लाया गया उसे? तब वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर नंबर ए है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द टर्म कास्ट वॉज डिराइव फ्रॉम। ये जो कास्ट वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया था? ये डिराइव किया गया है पोर्टुगीज से। ठीक है, इसका आंसर नंबर ए है, याद रखिएगा, पोर्टुगीज। नेक्स्ट, द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स। तो ग्रेटर इंडिया का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कल्चरल यूनिटी, जो कल्चर ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात किया गया है। तो इसका आंसर है बी नंबर, कल्चरल यूनिटी। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडोप्टेड फ्रॉम। तो सिंगल सिटीजनशिप कहाँ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से एडोप्ट किया गया, किस देश के? तो ये इंग्लैंड से हम लोगों ने एडोप्ट किया। तो कहाँ से एडोप्ट किया हम लोगों ने? इंग्लैंड से एडोप्ट किया। ओके, तो इसका आंसर नंबर ए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडोप्टेड फ्रॉम। इम्पीचमेंट का मतलब हटाना, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो बना था रूल वो कहाँ से हम लोगों ने एडोप्ट किया? वो हम लोग एडोप्ट किया था USA से। ओके, इसका भी आंसर नंबर ए है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेट इन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो ये ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। तो इसका भी आंसर नंबर बी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेट इन, तो सॉवरेन पार्लियामेंट सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ, तो ये हुआ रहा है इंग्लैंड में। ओके, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पिछले ईयर्स में पूछा जा चुका है ये भी। नेक्स्ट, द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरो फ्रॉम, जो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, आंसर नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज़ ए कंट्री विच इज़, तो इंडिया एज ए कंट्री, पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो एडल्ट्स है इंडियन सिटीजन्स का, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री का, उन्हें पूरा राइट्स है वोट करने का, और उसे हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं होगा किसमें, उनके क्लास में या कास्ट में, रिलीजन में, जेंडर में, कुछ में भी। ओके, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शो द इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विच डेमोक्रेटिक। ओके, इसका आंसर क्या होगा, डेमोक्रेटिक, आंसर सी नंबर आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो रिट कहाँ पे इशू करते हैं, तो रिट बेसिकली इशू करते हैं जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो ठीक है, तो इसे आप कौन से कोर्ट में कर सकते हैं, तो इसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हो, इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कर है तो आर्टिकल 32 के अंडर करना पड़ेगा, और अगर हाई कोर्ट में कर है तो आर्टिकल 226 के अंडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द टर्म फेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ए सेंस ऑफ, तो फेटर्निटी जो प्रीएम्बल में है उसका मतलब क्या होता है, तो फेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। ओके, भाईचारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय, तो इंडियन सिटीजनशिप किससे ग्रांट होता है, तो ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ग्रांट करता है किसी भी आदमी का इंडियन सिटीजनशिप। ओके, तो आंसर नंबर सी। नाउ नेक्स्ट, इंडिया आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कॉन्टेनिंग, तो एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जो आइडिया है वो किस में है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो इसका आंसर है बी नंबर। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन सा पार्ट में है, ये पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कम्स अंडर, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट्स है। ओके, ये फंडामेंटल राइट्स है और ये आता है अंडर आर्टिकल 32। और मैं ये भी बता दूँ, जो आर्टिकल 32 है उसे हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये खुद एक फंडामेंटल राइट्स है और बाकी सब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि हम लोग इन्हें प्रीएम्बल में पढ़ा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर नंबर सी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, जो दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है, तो ये अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से। ओके, दैट इज इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर नंबर सी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले कितना था, अगर बात करें जब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितना था, तब 10 था, बट 86 अमेंडमेंट के बाद ये कितना हो गया, एक और जुड़ गया, तो अभी कितना है 11, अभी इसमें कितना है 11, तो आंसर हो गया ए नंबर। ओके, याद रखिएगा, इसका आंसर है ए नंबर 11। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली, तो जब आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फंडामेंटल राइट्स कितने थे, तब थे 7। ओके, तब 7 थे, इसका आंसर होगा 7, बट अभी अगर बात किया जाए तो अभी है 6। एक राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या किया, वो फंडामेंटल राइट से हट गया, वो अब क्या बन गया, वो एक लीगल राइट बन गया। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कैटेगरी राइट टू वोट बिलोंग, तो राइट टू वोट कौन सा कैटेगरी बिलोंग करता है, होता है पॉलिटिकल राइट,
इसका आंसर है डी नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनरिस्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें बात किया गया, फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी का किसमें बात किया गया था, पार्ट फोर में। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का बात करें तो ये किया था पार्ट फोर ए में, तो इसका आंसर होगा ए नंबर। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज, तो अभी मैंने बताया राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, इसे फंडामेंटल राइट से हटा के क्या बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर होगा सी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक एक प्रीवियस ईयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं, ओके, तो वो सब मैंने इस वीडियो में डाला है। तो आप इसे सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रख लें और इसे रेगुलर रिवाइज करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और इसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।